उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों लंदन दौरे पर हैं। लंदन दौरे के तीसरे दिन सीएम धामी ने बताया कि इन तीन दिनों में प्रवासी भारतीयों से मिलने का सौभाग्य भी मिला। सभी ने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। कई उद्योग समूहों के लोगों के साथ बैठक हुई। अब तक 9,000 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए। उम्मीद है कि अभी कुछ और MOU संपन्न हो जाएंगे। उद्योग के क्षेत्र में लोगों के लिए एक अच्छा गंतव्य उत्तराखंड है। जहाँ अप्रवासी भारतीयों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, सभी से मिला, सबका आत्मीय स्नेहपूर्ण यहाँ पर मिलन हुआ। सभी लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से हम लोगों का स्वागत यहाँ पर किया। इसके साथ ही विभिन्न विभिन्न उद्योग समूह के लोगों के साथ लगातार मीटिंग हुई। कुछ रोड शो लंदन में भी हुआ, बर्मिंगम में भी हुआ, और सभी जगह एक उत्साहपूर्ण माहौल यहाँ पर दिखाई दिया। और अब तक 9,000 करोड़ के MOU साइन हो गए हैं, और जो हमने टारगेट लिया है इन्वेस्टर समिट के लिए, लोग, निवेशक समूह, उद्योग समूह, अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोग, सभी उत्तराखंड के अंदर निवेश करें, उस दिशा में सकारात्मक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मैं सबका यहाँ पर अप्रवासी भारतीयों का, अप्रवासी उत्तराखंड के लोगों का, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को इनिशिएटिव लिया है, और हमारा हाई कमिश्नर जो यहाँ पर है उनका भी बहुत यहाँ पर सहयोग रहा है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और देवभूमि से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विशेष लगाव है, इसलिए पिछले 9 सालों में उनके कालखंड में उत्तराखंड के अंदर अनेक योजनाएं प्रारंभ हुई हैं। सड़कों की स्थिति अच्छी हुई है, रेल सेवा तेजी से आगे बढ़ रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है, हवाई सेवाएं अच्छी हुई हैं, रोप वे भी तेजी से लगने प्रारंभ हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक आकर्षण बना है, और पर्यटन के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आज बड़ी संख्या में देश दुनिया के लोग उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में कहा कि हमने 27 से भी ज्यादा नई पॉलिसी बनाई है, कुछ संशोधन किए हैं, कुछ नई पॉलिसी बनाई है, इन्हें हम निवेशकों के लिए लेकर आए हैं। उत्तराखंड में निवेश आएगा तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और राज्य का विकास भी होगा। आज हम तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लोग उत्तराखंड में निवेश की इच्छुक है। लगभग 27 से भी ज्यादा हमने नई पॉलिसी बनाई है, पॉलिसियों में कुछ संशोधन किया है, कहीं बदला है, कुछ नई पॉलिसी बनाई है, उसमें टूरिज्म सेक्टर में, MSME सेक्टर में, लॉजिस्टिक सेक्टर में, स्टार्टअप सेक्टर में और प्राइमरी सेक्टर में, इन सभी पॉलिसियों को हम निवेशकों के लिए लेकर आए हैं। और निवेशक आएंगे तो उत्तराखंड के अंदर निवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, रोजगार भी स्थापित होगा, हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। और हमने एक शुरुआत की है, शुरुआत में चूंकि जब हम शुरुआत कर रहे थे तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि कितना हो पाएगा, लेकिन अब आज मैं कह सकता हूं कि हम तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का रुझान भी तेजी से बढ़ रहा है, और जिसको भी मालूम चल रहा है, जहां भी मालूम चल रहा है, उत्तराखंड में निवेश के लिए लोग आने को इच्छुक हैं। देश के अंदर भी है, अभी दिल्ली में भी हमारा 4 तारीख को रोड शो होगा, और पहले दिन जब हमने कर्टन रेजर किया था उस दिन भी हमको 7,500 करोड़ के MOU उस दिन भी साइन हुए हैं। और हमारा लक्ष्य है कि 8 और 9 दिसंबर को जब हम इसका समारोह कर रहे होंगे इन्वेस्टर समिट ग्लोबल का, उस दिन तक हमारी जो है एक अच्छी ग्राउंडिंग पहले ही हो जाए। MOU तो लगातार साइन हो ही रहे हैं,